गृह मंत्री अमित शाह से ठीक पहले उधमपुर में दो ब्लास्ट, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अमित शाह की यहां पर विजिट है और चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहां पर दो ब्लास्ट होते हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है यहां पर जरूर लग रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जम्मू के बस स्टैंड एरिया में। जी हां, ये एक हॉटस्पॉट एरिया है, यहां पर जो है कई बार टारगेट बनाया जा चुका है। आपको फिलहाल बता दें कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो है वो काफी अलर्ट हो चुकी हैं, और इस वक्त जो है बस स्टैंड पर एसओजी की टीम, डॉग स्क्वाड, जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है जांच कर रही है, ताकि अमित शाह की विजिट में किसी भी तरह का खलल ना पड़ सके। और जिस तरह से लगातार उधमपुर की बात करें, दो बसेस को टारगेट बनाया गया, दोनों जो है रामनगर रूट की थी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर लगता है। जी हां दर्शकों, मैं आपको जानकारी दे दूं, ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो जो ब्लास्ट किया गया उधमपुर में वो आरडीएक्स ब्लास्ट था। जी हां, दोनों ब्लास्ट जो है वो आरडीएक्स ब्लास्ट थे, एक सुबह 6 बजे हुआ और दूसरा जो है कल रात को 10:30 बजे बस में ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद मौके पर जो है पुलिस पहुंची, जांच एजेंसीज जो है वो जांच कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल जारी है। दर्शकों आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी पुंछ जिले में एक महिला से 4 किलो आईईडी को बरामद किया गया था। ये आईईडी किसी व्यक्ति को सौंपी जानी थी और बाद में जो है इसी तरह की एक्टिविटी में इस आईईडी का इस्तेमाल किया जाता। आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की बात करें, बम निरोधक दस्ते की बात करें, एसओजी टीम की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हर कोई जो है यहां पर जांच कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, हर जगह जो है पैनी नजर रखी जा रही है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है सुरक्षा एजेंसीज पर लग गया कि किस तरह से जो है उधमपुर में जो दो ब्लास्ट हुए, 8 घंटे के अंतराल के बाद एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ और दोनों ही बसेस को टारगेट किया गया। जम्मू के बस स्टैंड क्षेत्र में इस वक्त मैं हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि चेकिंग भी चल रही है, यहां पर एसओजी की टीम भी मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, यहां पर डॉग स्क्वाड भी है, और पैनी नजर जो है बनाकर रखी जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गतिविधि जो है यहां पर ना हो और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में किसी भी तरह की खलल जो है वो उत्पन्न ना हो। बस बस बस, पीछे पीछे। सर कल उधमपुर में भी शाम को ब्लास्ट होया, आज सुबह भी ब्लास्ट होया, इसलिए जो टेंशन है बढ़ गई है, तो हम मिलके सारे डार्क स्कॉट सब हम गाड़ियाँ चेक जो भी हमारे चेकिंग कर रहे हैं, तो पब्लिक की से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जे किसी को कुछ नज़र कुछ शक होए तो हमारे नाल कनेक्ट करे, पुलिस के साथ कनेक्ट करे, ताकि मिलकर इस जी जो टेंशन नू दूर किया जाए। एक के बाद एक ब्लास्ट, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है हमारी सुरक्षा एजेंसीज पर, और ये ब्लास्ट उस समय होते हैं जब माननीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में दौरा है। जी हां दर्शकों, हमारी सुरक्षा एजेंसीज की बात करें तो वो सतर्कता का परिचय दे रहे हैं और चप्पे चप्पे पर अब नजर बनाकर रखी जा रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी जो है आम नागरिक की भी बनती है, सिटीजन की भी बनती है। अगर वो कहीं पर भी संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं, संदिग्ध सामान देखते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत जो है उन्हें पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि समय रहते जो है ऐसी गतिविधियों को होने से पहले रोका जा सके। इसी के साथ कैमरा पर्सन नितिन कनोत्रा और मुझे यहां रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।